और मियां साहब के लिए गुड न्यूज ये है कि मियां साहब का चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो चुका है। हमारी इनकम शो हो रही है, ये देखें 598 रुपये हमें एक वीडियो पे मिले हैं, 239 रुपये, 107 रुपये, 11। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बाबू व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। और गर्मी की शिद्दत जो है ना वो बढ़ चुकी है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर जो है ना वो तकरीबन 45-46 के जो है ना राउंड बाउंड हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं जी, हमारे एक दोस्त है उनकी जो शबीर भाई हैं जिनसे हम सामान वगैरह लेके आते हैं बिजली का ये वो सारा, तो उनकी आज उन्होंने दुकान अपनी शिफ्ट की है, पहले जहाँ पर थी वहाँ से बिल्कुल 2-3 दुकानें छोड़ के ना जो हमने शिफ्ट की है, तो वहाँ पर जा रहे हैं, उनका इफ्तिताह है तो वहीं जा रहे हैं। और वहाँ पर मियाँ साहब को लंगर की बड़ी तलब लगी हुई है। मियाँ साहब की पका है क्योंकि मियाँ साहब इंतजामिया भी नहीं होते तो की साहब साहब होते हैं फिलहाल तो बाबा जी अभी तक कल तो समान जोड़ जोड़ मार गया होते। अच्छा, लंगर पाई जी भी समान जोड़ना है। तो लंगर सुबह तो हम एक बार गया, हाल तो कोई पता नहीं की लंगर या की नहीं, देखो लगा चल रहे अभी जी जा रहे हैं उधर और इंशाल्लाह देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोग्राम हुआ, खाने पीने का ना भी हुआ तो फिलहाल दुआ में जो है ना वो शामिल होते हैं और निकलते हैं क्योंकि टाइम जो है ना वो बार बार वहीं से फोन आया, ये वहीं से फोन आया तो अभी उधर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल भी हो चुकी है और लंगर शंगर भी खा लिया और अभी बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। ये शबीर भाई ने जो दुकान है वो पहले बिल्कुल साथ थी और अभी नई जगह पे जो है ना वो शिफ्ट की है, 2-3 दुकानें छोड़ के बिल्कुल साथ ही। मैं बाहर से भी आपको व्यू जो है ना वो दिखा देता हूँ और ये दुकान का अंदर का व्यू है। पहले दुकान बिल्कुल छोटी थी और सामान जो ज़्यादा था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये मुकम्मल तौर पर तैयार है ना दुकान बिल्कुल, और साथ जो दूसरा सामान है वो भी साथ ही है और ये भी साथ है, सारा सामान बिल्कुल पूरा आ गया। अभी सामान जो है वो बाकी रहता है, ये पंपशप आ गए, बाकी इसकी जो डिटेल वीडियो है इंशाल्लाह वो हम जल्द बनाने वाले हैं, वो आपको मियाँ साहब के चैनल पे मिल जाएगी। मियाँ साहब वो शबीर भाई वाली वीडियो आप पूरी कब बना रही है? वो तकरीबन उन्होंने टाइम दिया 3-4 दिन का, उसके बाद चले 3-4 दिन तक जो है इंशाल्लाह बाकी की सेटिंग जो है वो भी हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह मुकम्मल जो रिव्यू है क्या क्या सामान अवेलेबल है और क्या क्या रेट है वो सारी डिटेल आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी निकलते हैं वापस। 2 hours later जी अल्हम्दुलिल्लाह वो दुकान की इफ्तिताह से फ्री होके घर आ चुके थे, उसके बाद थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग कर रही थी, वीडियो एडिटिंग की है, थंबनेल वगैरह बनाया और दोबारा एक छोटा सा काम था, तो पहुँचे हैं सरफराज भाई की दुकान पर, कैमरा ज़रा साफ कर लो, तो देखिए अब ठीक हो गया कैमरा। तो ये टायर जो है ना वो हमने जो कूलर उस दिन कलर किया था उसका जो स्टैंड था उसके लिए 2 टायर ख़राब थे, ये तो ये टायर अभी मैंने लिए, ये टायर मुझे मिले 200 के, 200 कह रहा था सिर्फ 180 रुपये के दिए, तो ये अगर भाई के पास आ गया हूँ ये उसको काट रहा है, ये काट के इसको इसको अच्छी तरह बेल्ट कर देगा, ये फिर इसको हम जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं आसानी के साथ, ये नहीं होता पहले बड़ा धक्का लगाना पड़ता था, अब ये नए टायर जो है ना बोल जाते हैं। ले जी टायर हमारे माशाल्लाह 1 लग चुका है ज़बरदस्त किस्म का, इसकी वजह से बड़ी परेशानी होती थी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना काफ़ी मुश्किल था, अब ये 4 टायर लग जाएंगे तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। ये देखिए जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अभी मैं लेके जा रहा हूँ वापस। वेलकम बैक जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कूलर शूलर करवा के जो वो कर दे आए थे और एक एमरजेंसी जो है ना वो काम पड़ गया था पत्तों की, तो पत्तों की काम गए थे वो काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और कुछ दिन तक उसका पता चल जाएगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल पहुँचे हैं इधर, ये फाटक है, क्या फाटक का नाम है मेरे दिन से निकल के आदर वाला फाटक, और यहाँ पे सामने रो जो है ना क्योंकि आजकल रो का सीज़न है और गर्मी में ये जो होती है ना रो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, गन्ने का जूस भी कहते हैं रो भी कहते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो है कि पीने के लिए अभी रुक गए थे क्योंकि वैसे भी मगरिब का टाइम जो है ना वो होने वाला, तो कुछ काम हमारे पेंडिंग थे वो आज फिर पेंडिंग ही रह गए, काफ़ी दिनों से वो पेंडिंग थे, तो अभी रो पीते हैं ठंडी ठंडी और इन्जॉय करते हैं। और मियाँ साहब जो है ना आज के हमारे सेक्रेटरी है, मियाँ साहब की हाल है? हाँ जी, मियाँ साहब को मुबारक देनी है अभी लेकिन थोड़ी देर बाद देंगे, हाँ मियाँ साहब को अभी पता नहीं है, और मियाँ साहब का अभी आपको मैं बता देता हूँ कि मियाँ साहब का जो चैनल है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज भी हो गया और मेल भी आ गया, और जो पुरानी वीडियो पे इनकम थी वो भी आ चुकी है, वो भी थोड़ी देर तक आपको मैं शो भी करवाता हूँ और मियाँ साहब को भी बताते हैं, फिलहाल अभी रो इन्जॉय करते हैं।
नेक्स्ट डे जी अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हम खैरियत से घर पहुंच गए थे। कल शाम को लेट पहुंचे थे इसलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सके। और आपको एक सरप्राइज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। और यह है कि सामने इधर दो छोटी प्लेटें पड़ी थी, इधर ये बड़ी हमने जो अब नई लगाई हैं, उधर जो छोटी पड़ी हुई थी जो हमारे पास पहले इंस्टॉल थी, तो वो जो प्लेटें वो हमने सेल कर दी हैं। और क्योंकि अब उनका कोई फ़ायदा नहीं था, पहले हमारा एक प्रोग्राम था कि इसको हम दुकान पे शिफ्ट कर देंगे और दुकान का जो सारा लोड है वो हम छोटी प्लेट पे चलाएंगे, लेकिन ऑलरेडी इसका ही करंट बहुत ज़्यादा है तो इसको अलहदा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो मैंने प्लेटें भी और साथ ये जो कंट्रोलर है इसको सेल कर दिया। ये देखें ये 50 एम्पेयर का कंट्रोलर है और इसके साथ जो है ना 6-7 प्लेटें छोटी जो हैं वो आसानी के साथ लग सकती हैं। इस बड़ी प्लेटें तो इसके साथ कंपैटिबल नहीं है, नहीं तो हम शायद यही लगा लेते हैं। तो इसलिए यह है कि वो सेल कर दिए अब, और अब इंशाल्लाह उन्हीं पैसों से हम जो है ना वो कूलर लेके आएंगे, इंशाल्लाह AC DC कूलर लेके आएंगे। और हो सकता है कि एक साथ बड़ी प्लेट भी लें और साथ जो है AC DC कूलर लेके आएँ। तो अभी भाई आ चुके हैं, प्लेटें तो वो ले गए हैं, मैं गया हुआ था कहीं तो वो राशिद भाई ने जो है ना वो उनको दे दिए, तो प्लेटें तो वो भाई ले गए थे। अब कंट्रोलर जो है ना वो देना था तो कंट्रोलर मैंने उतार लिया, तो अभी वो भाई को देते हैं। कंट्रोलर वगैरह दे दिया जिस भाई को देना था। और अभी जो टाइम हो रहा है जी वो बहुत सख्त गर्मी का, और साथ हम लेने जा रहे हैं गंदम, क्योंकि गंदम अभी तक हमने नहीं ली थी। और गंदम के एक्सपर्ट जो है वो चौधरी साहब मेरे साथ हैं। चौधरी साहब क्या हाल है? हेड फाड़ो चौधरी साहब को भी आज तकलीफ दे रहे हैं, और क्योंकि वैसे भी गंदम की कटाई वगैरह हो चुकी है। आपके इलाके में क्या रेट है पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके में जो रेट है जिस रेट पे मिल रही है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। फ़िलहाल एक घर से पता की है वो मुख्तलिफ रेट हैं क्योंकि गंदम की क्वालिटी के हिसाब से हैं, तो मज़ीद जाएँगे तो फिर पता चलेगा कि कौन सी लेते हैं और किस रेट पर मिलती है। चले चौधरी साहब चले वापस आ चुके हैं। गंदम के तोड़े वगैरह जो हम दे आए थे तो वो अभी कह रहे थे कि आप 4-5 बजे दोबारा चक्कर लगाएं फिर इंशाल्लाह आपको गंदम देंगे। तो अभी घर आए हैं वापस, खाना खाना खाया। और एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि राशिद साहब जो अपने दोबारा चैनल पे एक्टिव होने लगे हैं, राशिद फूड हंटर। आपको पता होगा पहले जो है ना वो खाने छाने की वीडियो आपको काफ़ी देखने को मिलती थी वहाँ पर, तो राशिद साहब दोबारा वेलकम आपका। राशिद साहब की आज फर्स्ट वीडियो जो है ना वो बनने लगी है किचन रिव्यू के बारे में, क्योंकि जिसकी वजह से काम पेंडिंग था वो किचन ही था। किचन का काम आपको पता है कि मुकम्मल हो चुका था, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। तो अभी इंशाल्लाह फर्स्ट वीडियो इस साल की तो कह सकते हैं कि फर्स्ट ही वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काफ़ी देर हो गई है अनटच थे, तो इंशाल्लाह फर्स्ट वीडियो शूट कर लें फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी, अल्हम्दुलिल्लाह राशिद साहब की वीडियो शीडियो बना के फ्री हो चुके हैं और इसका मैं थंबनेल बनाने लग गया था। और थंबनेल बनाने के बाद दोबारा दुकान में पहुँचे और सामने मियाँ साहब, मियाँ साहब की हाल है? फेट फाट हो चुके आज तो मियाँ साहब, कटिंग शटिंग का डिजाइन भी बड़ा चेंज है। मियाँ साहब का ये खानदानी जो है ना वो स्टाइल है बालों का, ये अब चेंज कराया काफी अरसे के बाद। मियाँ साहब कितनी देर बाद कराया था? माशाल्लाह 10 साल बाद मियाँ ने अपना हेयर स्टाइल जो है ना वो चेंज कर दिया, वो भी इन्हें जलील कर करके फिर करवाया। इसी तरह मियाँ साहब मोबाइल थोड़ा सा साफ करने वाला अब हो गया मियाँ साहब, अब थोड़ा सा क्लियर साफ आ रहा है। और मियाँ साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, तो खुशखबरी मियाँ साहब सुनानी चाहिए नहीं अभी? सुनाओ मोबाइल दो जरा। लो जी ये मैंने व्यूवर्स के साथ जो है ना वो सारे मामला शेयर कर दिए, आपको बताया था, लेकिन मज़ीद जो है ना वो मियाँ साहब का काम है। और मियाँ साहब को जनाब अभी तक पता ही नहीं है कि मियाँ साहब को क्या क्या जो है ना इनाम यूट्यूब की तरफ से मिल रहे हैं। तो जनाब चैनल जो है ना वो खुल चुका है अलहमदिल्ला, और मियाँ साहब के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मियाँ साहब का चैनल अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो चुका है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकम सामने शो हो चुकी है, और इनकम इस वक्त जो है ना हो चुके 964 रुपये। मियाँ साहब 1000 रुपये तुम कमा लिया है कितने दिन जी? ये तुम सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 1.5 दिन कमाया है। ओ खैर मीर हो यार। हाँ मियाँ साहब का जी अल्हम्दुलिल्लाह चैनल भी मोनेटाइज हो गया, और अर्निंग जो है ना वो माशाल्लाह ज़बरदस्त आ रही है। 2-3 दिन में तकरीबन जो है ना 2.5 से 3 दिन की इनकम है, और ये 964 रुपये हैं। किस वीडियो पे कितने पैसे मिले हैं वो मैं आपको शो करवा देता हूँ। बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं जी वो कोई नहीं शो करवाते, वो सिर्फ आपको लारा लूरा लगा के बाद जो है वो गोलमोल कर देते हैं और बताते नहीं हैं कि कितनी वीडियो पर कितने पैसे मिले हैं कैसे मिले हैं। तो अभी आप तो हमारी फैमिली है और आपके साथ हर चीज़ जो है वो शेयर करना होती है। तो ये सामने जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इनकम शो हो रही है, ये देखें 598 रुपये हमें एक वीडियो पे मिले हैं, 239 रुपये, 107 रुपये, 11 रुपये। ये हमने PKR में चेंज किया, वैसे जो डॉलर की जो इनकम शो होती है वो डॉलर्स में होती है,
लेकिन मियाँ साहब की आसानी के लिए मैंने जो है ना वो सारा कुछ चेंज कर दिया था। असल में मियाँ साहब को इसलिए नहीं पता क्योंकि मियाँ साहब का मोबाइल ख़राब था और आज ही मोबाइल चेंज किया, वीडियो की अपलोडिंग जो है वो सब कुछ मेरे मोबाइल से ही हो रहा था और चैनल मोनिटाइज का जो वो मुझे ही पता चला था। तो अभी मियाँ साहब मिले हैं तो मैंने कहा मियाँ साहब को खुशखबरी सुना दें। शुक्रिया जी भाई भाई एक शुक्रिया तो बड़ी मेहनत मोबाइल हार किया तो ये सारी इनकम जी शो हो चुकी है। अब इंशाल्लाह इसी तरह जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते रहेंगे और मियाँ साहब को रोजी रोटी इंशाल्लाह चल पड़ा और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अच्छी इन्फॉर्मेशन और जो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी। ठीक है मियाँ साहब, आज पंखा लाना तरीका वीडियो बन गई। हाँ ठीक है, इसी पंखा लगाने का तरीका इंशाल्लाह आज वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह वो भी शेयर हो जाएगी। तो अभी इंशाल्लाह हम जा रहे हैं थोड़ी देर तक एसी डीसी जो कूलर है वो हमने लेना है, वो हम लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, उसका जो मुकम्मल रिव्यू है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो राशिद साहब की वीडियो इंशाल्लाह वो भी आज अपलोड हो जाएगी, प्रीमियर में लग चुकी है, शाम 6-7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने लाजमी जाके देखनी है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।